हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेरा क्लीनिंग का जो काम है वो कंप्लीट होने के बाद फिर काफ़ी लेट हो गई थी मैं, बहुत लेट हो गया था। और श्रेयु को ऐसे तो भूख लगती नहीं है, बट ना काफ़ी लेट हो गया था तो मैं सोची कि पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना नहाने धोने का जो है और कपड़ा धोने का काम है वो करूँगी। और कभी लग गया जोरों की भूख और बोले तो मुझे खाना दो, तो फिर मैं क्या खिलाती अपने बेटों को। इसलिए मैं सोची कि पहले अपना खाना जो है ना वो बना लेती हूँ, तो वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर चावल को मैं अच्छे से कंकड़ वगैरह जो है और भूसा वगैरह सब था उसको साफ़ कर दी हूँ। साफ़ करने के बाद यहाँ पर अब मैं धोने के लिए रख दी हूँ। पहले तो दाल को ही धोकर अपना रख ली हूँ। और यहाँ पर श्रेयांश को देखिए, ये ड्रम में जो है ना बिस्किट वगैरह है उसको खाने के लिए जो है वो बोल रहा है, मतलब खाऊंगा करके। बट अभी उसको खाने के लिए अगर मैं बिस्किट दे दी ना तो फिर खाना नहीं खाएगा वो। मैं दी थी थोड़ी देर पहले ही उसको दे दी थी, एक बिस्किट खा चुका है, फिर और मांग रहा है, बट ना उसको और नहीं दूँगी। पहले मैं अपना खाना बना लेती हूँ, फिर तुरंत ही उसको खाना खिलाऊंगी, फिर मुझे जो काम करना रहेगा ना वो करूंगी। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ परवल आलू की सब्जी। तो कट करके तो पहले से ही रख चुकी थी परवल को, लेकिन आलू अभी बचा हुआ है तो प्याज और आलू को यहाँ पर काटने के लिए निकाल ली हूँ और फटाफट से उसको कट कर रही हूँ। श्रेयांश अभी क्या है, खेल रहा है यहाँ पर किचन में, देख सकते हैं बार बार वो ड्रम के पास में ही जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बिस्किट वगैरह रखा है। तो पर बार बार ना मैं उसको हटा रही हूँ, उसको ड्रम को ये इधर से उधर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर अब मेरा जो आलू है वो कट कर रेडी हो गया है और प्याज भी, बस अब मैं कढ़ाई को रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और यहाँ पर जो मैं वो पूड़ी तली थी वही तेल है, उसी को यूज़ कर रही हूँ उसमें है। तो थोड़ा सा डाल दी हूँ और उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा सरसों। और चलिए अब भूनने के लिए डालते हैं सब्जी को। और यहाँ पर चावल को भी अच्छे से मैं चला देती हूँ। और आज ना मतलब आज नहीं मतलब अभी काफ़ी लेट हो गया करके तीनों को एक साथ ही चढ़ा रही हूँ। इधर दाल बन रहा है इंडक्शन पे, उधर चावल गैस पे, और इधर सब्जी रख दी हूँ। और एक तरफ का गैस जो है वो तो सो गाइस, यहाँ पे बन चुका है भात और बस ये दाल भी हो गया है। बस अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, स्विच से बंद कर दी और उसको वैसे ही रख देती हूँ वहीं पे। और यहाँ पर मैं सब्जी में डाल चुकी हूँ हल्दी मसाला, धनिया पाउडर, नमक, और बस अभी इसको कम आंच में थोड़ा देर तक पकाना है, मतलब तलना है इसको थोड़ा देर तक। तो कम आँच में ये पकते रहेगा, इसको ढक के रख देती हूँ। और उधर श्रेयु जो है टीवी देख रहा है अभी, ये देखिए। और खाना तो बन गया है, बस दाल की सीटी जैसे खुलेगी ना उसके बाद इसको मैं खिला दूंगी। सो हे गाइस, यहाँ पर मेरी सब्जी जो है बनकर रेडी हो गया है और अब मैं चली अब नहाने धोने के लिए, क्योंकि मेरा किचन का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब मैं फटाफट से नहा धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो देखिए जल्दी से नहा धोकर आ गई हूँ मैं और सीधा मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि भूख लग रही थी बहुत जोरों की। हो गया है टाइम, 2 बज रहा है, तो जल्दी जल्दी चलिए अब खाना को फिनिश करते हैं। ये देखिए खाना निकाली, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए खाना निकल चुका है, अब चलिए अब फटाफट से खाते हैं खाना को। काफी जोरों की भूख लगी है गाइस, एकदम जोर से। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ, भूख बहुत जोरों की लगी है। बाय।